नए नए वीडियो की जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे ऑल हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल को, और इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकेगी। नमस्कार दोस्तों, ऑल हेल्प हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी आप अपने फ़ोन को कहीं पर भी चार्ज करने के लिए छोड़ देते हैं या फिर अपने फ़ोन को कहीं पर भी रख देते हैं, तो फिर आपके फ़ोन पर जो भी पर्सनल कॉल आती है तो कोई भी उस पर्सनल कॉल को बड़ी आसानी से रिसीव कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी पर्सनल कॉल को बड़ी ही आसानी से सिक्योर कर सकते हैं, बिना आपकी परमिशन के कोई भी आपकी पर्सनल कॉल को नहीं रिसीव कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और जिसके ज़रिए आप अपनी कॉल को सिक्योर बना सकते हैं। यानी कोई भी जब भी आपके फ़ोन पर कॉल करेगा तो बिना पासवर्ड को एंटर किए आप फ़ोन नहीं उठा सकते, यानी कि जब तक वो व्यक्ति आपके फ़ोन पर वो पासवर्ड नहीं डालेगा, जो पासवर्ड आप सेट करेंगे, तब वो आपके फ़ोन को नहीं उठा पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिंपली आपको सब्सक्राइब पर टच करना है और जिससे आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब हो जाएंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर एक आपको घंटी जैसा आइकन दिखेगा तो उस आइकन पर भी आपको क्लिक करना है जिससे आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब के साथ नोटिफाई भी हो जाएंगे। यानी कि जो भी वीडियो इस चैनल पर नई अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फ़ोन पर डाउनलोड करनी होगी और इस एप्लीकेशन का नाम है इनकमिंग कॉल सिक्योर। इसको आपको अपने फ़ोन पर डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि कॉल को सिक्योर कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको इसको ओपन करना होगा। तो जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इनकमिंग कॉल की परमिशन देनी होगी। तो जैसा कि मैं यहाँ पर परमिशन इसको दे देता हूँ, इसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको अपना पिन सेलेक्ट करना है कि जब भी कोई आपके फ़ोन पर कॉल करेगा और जब तक ये पिन वहाँ पर नहीं पड़ेगा तब तक वो फ़ोन नहीं उठा पाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली पिन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं केवल डेमो के लिए आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो सिंपली हम कोई भी पिन यहाँ पर डालते हैं, जैसा कि मैं 1 2 3 4 पिन को सिलेक्ट करता हूँ, और जैसे या 1 2 3 4 या फिर कोई भी पिन को यहाँ पर डालेंगे, और डालने के बाद यहाँ पर आपको एक बार फिर से पिन को कन्फर्म करना होगा। तो एक बार मैं पिन को फिर से कन्फर्म कर देता हूँ। 1 2 3 4 डालकर मैंने पिन को कन्फर्म कर दिया, और इसके बाद आपको सिंपली ओके पर टैप करना है। तो ओके पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। कुछ और सेटिंग हैं जिनको आपको यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो सेटिंग आपको करनी थी वो मैंने आपको पहले बता दी, केवल आपको यहाँ पर अपना पिन डालना है। तो दोस्तों, पिन डालने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अपने हम किसी दूसरे फ़ोन से यहाँ पर कॉल लगाएंगे और फिर आपको हम दिखाएंगे कि ये कैसे वर्क करेगा और आपको इसको कैसे यूज करना है। तो मैं आप अपने दूसरे फ़ोन से यहाँ पर कॉल लगा रहा हूँ, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो मैं यहाँ से दूसरे फ़ोन से कॉल लगाता हूँ अपने नंबर पर, और फिर आपको हम दिखाते हैं कि इसको हमको कैसे यूज करना है। तो अब हम अपने कॉल लगा रहे हैं। तो जैसा कि मेरे फ़ोन पर कॉल आ चुकी है, तो यहाँ पर आप लिखा इंटर पिन, और जो पिन मैंने वहाँ पर डाला था, जब तक हम वो पिन यहाँ पर नहीं डालेंगे तब तक हम ये इस फ़ोन को नहीं रिसीव कर सकेंगे। तो इसके लिए अब हमको पिन डालना होगा, जो मैंने पिन डाला था 1 2 3 4। तो जैसे ही मैंने 1 2 3 4 डाला तभी आप इस फ़ोन को उठा सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मिलता हूँ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बोलते रहिए भारत माता की जय।